हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आवर डॉल वर्ल्ड। सो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज हम लोग करने वाले हैं लिविंग इन माय गार्डन फॉर 24 आवर्स चैलेंज। सो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं गार्डन में तो आ गई हूँ, पर मेरे गार्डन को देख के लगता नहीं कि गार्डन है ना। सो आई थिंक हमें इसे और भी अच्छा बनाने की ज़रूरत है, तो वो तो हम बनाएंगे। बाय द वे आज मैंने थोड़ा ग्रीन ग्रीन भी पहना है ताकि हमारे चैलेंज से ये मैच हो सके। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। आपको अपना गार्डन दिखा देती हूँ, जो कि अभी गार्डन से नहीं, क्योंकि अभी मैंने एक भी अभी यहाँ पे प्लांट वगैरह नहीं रखा है, जो कि आज हम इस वीडियो में अच्छे से अपने गार्डन को सजाएंगे। तो पहले मैं आपको अपना गार्डन दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये अभी बहुत ही ज्यादा डस्टी भी है, तो हमें सब उसका साफ करना है। सो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा गार्डन कितना गंदा है और कितना खाली खाली सा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने गार्डन को साफ करना। तो पहले तो मैं जितना धूल मिट्टी है उसको साफ कर लेती हूँ। सो यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह हैं और उधर एक साइकिल। सो ये सारी चीजें पहले मैं बाहर हटा लेती हूँ। सब कुछ खाली हो गया जिसके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब ये सारी कमी मैं साफ कर लेती हूँ। सो गाइस मैं गार्डन तो पूरा साफ हो गया और ये करते करते मैं थक भी गई थोड़ी सी। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का जो वॉल है कितना खाली खाली और अजीब सा है ना, तो आई थिंक इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। सो गाइस ये तो हो गया, मैंने एक ही साइड का कवर किया है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। सो ये रहा। सो गाइस ये तो हो गया, अब बारी है सामान की। सो यहाँ पे मेरे पास एक फर वाली कारपेट है, तो मैंने सोचा कि आज इसी को यूज कर लेते हैं। बास्केट था फ्लावर से भरा हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको अपने बेड के साइड में रख लूँ, क्योंकि अब ये लिविंग इन गार्डन चैलेंज है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लैम्प तो नहीं रखेंगे। तो इसी कारण चलते हैं। यहाँ पे है मेरी मेकअप बॉक्स। एक्चुअली अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो शायद आपने देखा होगा, तो कोई नहीं मैं इसे फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऊपर में कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ क्रीम है, पाउडर है, यहाँ पे लिपस्टिक है जो कि आप देख सकते हैं, परफ्यूम है और कुछ नेक पेंट्स हैं और यहाँ फाउंडेशन है और यही सारे प्रोडक्ट्स और साथ ही में एक मिरर और इच में मेरे कुछ आई शैडो पैलेट्स हैं और इधर कुछ और प्रोडक्ट्स। पता नहीं मैं मेकअप बॉक्स के लिए क्या इस चैलेंज में, पर ठीक है कोई नहीं रख लेते हैं, अच्छा लग रहा था मुझे और लग रहा है, पर कोई नहीं अभी तो हमें प्लांट्स लाना बाकी है। तदा, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ढेर सारे प्लांट्स हैं जिसको मैं यूज करूंगी अपने गार्डन को सजाने के लिए। चलिए लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से
से ये कुछ ज्यादा ही प्लांट है, तो इसमें से जो मुझे ज्यादा पसंद आएंगे बस वही हम लगाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितना खाली खाली सा लग रहा है ना, तो अब हम यहाँ पे प्लांट्स डाल देते हैं। सो गाइस, मैंने ढेर सारे प्लांट्स लगा लिए हैं, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आपको सब दिखाऊंगी, पर मैं एक चीज तो भूल ही गई, मुझे खाना भी तो लाना है अपने लिए, तो चलिए ऊपर चल के कुछ लाते हैं। सो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं और इसमें भी है। सो गाइस, मैं खाना तो ले आई हूँ, पर मैंने क्या किया ना कि अलग अलग चीजों से एक प्लेट तैयार किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस टेबल को मैं अपने रूम के उस साइड पे रख लेती हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया है अपने गार्डन को। सो अब मैं आपको एक छोटा सा उसका टूर देती हूँ। सो मेरा गार्डन रोज कुछ ऐसा दिखता है, तो चलिए अब मैं आपको सारी चीज एक्सप्लोर करती हूँ। सो यहाँ से अपने गार्डन आ सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने दो साइड में प्लांट लगाए हैं, एक इधर और एक इधर। तो पहले मैं आपको इधर वाला साइड दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे है एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा प्लांट, ये देखिए, इसको मैं वापस से कुछ रख देती हूँ। और आगे इसी तरीके के कुछ प्लांट्स हैं। और इस साइड पे मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं। गार्डन के यहाँ ऊपर वाले साइड में कुछ ऐसी रेक टाइप का बना था, तो उसमें मैंने कुछ रैंडम चीजें रखी है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा, ये मैंने खुद से बनाया था, क्ले से फ्लावर। और यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, और ये ऐसे ही कुछ भी रैंडम चीजें। तो चलिए अब आपको अपने रूम की तरफ ले जाती हूँ, यानी कि मेरा गार्डन वाला रूम। सो यहाँ पर सबसे पहले तो खाना है, जैसे कि मैंने अपने बनाया ही था। और यहाँ पे दो वाटर की बॉटल्स हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है अभी, क्योंकि विकल्प का टाइम है, तो यहाँ पे मैंने दो बॉटल्स रखी हैं। और फिर आते हैं यहाँ, तो इस साइड है मेरा बेड। एक्चुअली मैं गार्डन में बेड तो नहीं ला सकती थी, मैंने कारपेट ही रख लिया। सो ये फर वाली कारपेट मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं अक्सर अपने वीडियो में से यूज करती हूँ। तो चलिए और आगे दिखाती हूँ। सो वहाँ पे कुछ पिलोज है, मैचिंग पिलोज, और वो पिंक वाली पिलोज, और साथ ही में मेरा एक सॉफ्ट टॉय भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस जगह को थोड़ा सा और भी सजाते हैं और भी अच्छे से बनाते हैं। तो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा थीम लगाया कि ग्रीन एंड पिंक, बट उतना ज्यादा तो नहीं हो पाया, ज्यादातर चीजें तो मेरे रूम में पिंक ही है, पर कुछ प्लांट्स वगैरह रख के मैंने इसे थोड़ा सा ग्रीन करने की कोशिश की है। देन मेरे बेड के बगल में एक टेबल है, जिसको मैंने एज अ बेड साइड टेबल यूज किया है। सो यहाँ पे मैंने रेड कलर का बहुत ही प्यारा सा बास्केट रखा है, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ये एक व्हाइट कलर का टेबल था, जिसको मैं थोड़ा सा थीम से मैच करने के लिए इस पे एक पिंक कलर का ऐसे ही नॉर्मल कपड़ा पीस ऑफ क्लॉथ डाल दिया। और यहाँ पर एक मेरा फोन है और बुक है, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बुक मेरी फेवरेट बुक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरी एक कॉम है, और साथ ही में यहाँ पे मेकअप बॉक्स, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है, और उसके ऊपर मैंने अपना कैमरा रखा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे फोटो खींचने के लिए तो कैमरा नहीं रखा है, बट मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे थीम से मैच कर रहा था पिंक, तो मेरे यहाँ पे बहुत ही मेरा फेवरेट वाला पिंक कलर का कैमरा था, तो मैंने सोचा कि इसको रख देते हैं। एंड देन उसके बगल में बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का फ्लावर पॉट है, जो कि पिंक और ग्रीन है, तो ऑफकोर्स हमारे थीम से मैच कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और बैकग्राउंड तो आपने देख ही लिया है। मेरा रूम अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो ये सब साफ करते करते मैं बहुत ही थक गई, तो थोड़ी देर के लिए मैं अब जाकर रेस्ट ले लेती हूँ। गाइस, मैं आई तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, पर मुझे तो मन ही नहीं कर रहा रेस्ट करने का, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ी देर मैं बुक्स पढ़ लू,
वैसे गाइस मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने सारे प्लांट्स के बीच में रहना, क्योंकि इतना अच्छा फ्रेश एयर आ रहा है। हमें भी अपने होम में जितना ज्यादा प्लांट्स उग सके उतना ज्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए, ताकि ऐसे ही फ्रेश एयर आती रहे। तो अभी मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि मैं बुक रीडिंग थोड़ी देर कर लेती हूँ, ऐसे मेरा मन भी लगेगा। गाइस अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो फूड लाया है उसको पहले फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने डॉग्स के साथ खेलूंगी। सो गाइस आई थिंक मेरे पेट्स को भी ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। एक्चुअली मुझे भी गार्डन बहुत ही पसंद है, क्योंकि गार्डन बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रेश महसूस होता है। सो गाइस मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं अगला कौन सा वीडियो निकालूं। बाय अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।